सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी कल की ही बात है, रोहिणी कोर्ट के अंदर एक हमला हुआ जो दो गैंग टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच में ये कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर ही कहेंगे भाई जो खून खराबा हुआ। जो हमलावर थे वो भी खैर मारे गए, और पुलिस प्रशासन का बड़ा स्ट्रोंग सा एक तरीका था, उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन संदेहजनक जो एक बात आवे है वो ये है कि अंदर जब कोर्ट के जहाँ गेट में बढ़ते टाइम भी पुलिस वाले खड़े हैं, और कोर्ट रूम के अंदर भी चेकिंग वाले खड़े हैं, उनके होते हुए जब दो बदमाश इस तरीके से घुस जावे हैं और वहाँ पे बताया यो जावे कि मैं वकील की ड्रेस में थे, तो इस तरीके के जो हमले हुए हैं और ये हमले इस तरीके से कोर्ट के अंदर बढ़ते जाने लग रहे हैं, सरकार ने शायद इसके ऊपर कोई नियम कोई कानून बनाना चाहिए, चाहे वो वकील है या पुलिस है या आम जनता है कोई भी है, उनकी स्पेशल निगरानी हो, स्पेशल आवें जावें, सबको सुरक्षा मुहैया करना सरकार की जिम्मेवारी है। और इस तरीके से जो अपराध बढ़न लग रहे हैं, सरकार ने उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, कहीं भी कोई भी मामला हो, तो आदमी के पास एक सिर्फ हथियार है कोर्ट। कोई भी मामला हो आदमी कोर्ट में ही जावे, अगर वहीं पर ही उसके साथ इस तरीके का अन्याय इस तरीके का व्यवहार हुआ है तो इस तरह और बड़ी निंदनीय बात नहीं हो सकती। जो हमारे मोदी जी हैं इस बारे में कुछ संज्ञान लें, अगर इस तरीके की कोई भी घटना हो तो उसका अंजाम क्या होना चाहिए सरकार इस बारे में सोचे। बड़ी ही निंदनीय घटना है भैया, और इस तरीके के अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं, गैंगस्टर जो हैं इस तरीके से हैवी होने लग रहे हैं, आम जनता में कहीं ना कहीं इस बात का भय खौफ डर बढ़ने लग रहा है, तो सरकार इस बारे में संज्ञान ले। पुलिस वाले जब भी किसी अपराधी ने जज के सामने पेश करे हैं तो उसकी बकायदा रेकी करी जावे, जैसे कि बताया गया इस मामले में इसी तरीके से हुआ कि रेकी हुई है। तो ये जो मामले हैं सरकार इसका अलग से कुछ निष्कर्ष निकाले, अलग से कुछ प्लान करें कि भाई किस तरीके से यो प्रोग्राम होना चाहिए, किस तरीके से एक अपराधी को जेल में ले जाया जावे, जज के सामने पेश कराया जावे, और जज के आगे भी पेश कर दिया जेल भी होगी, जेल के अंदर भी वो अनसेफ है। तो सरकार इस बारे में सोचा है कुछ नया प्रावधान निकालने की कोशिश करे, जिस तरीके से रेप के ऊपर या और के ऊपर स्पेशल कानून बना है, तो इस तरीके से भी कोई ना कोई विशेष स्पेशल कानून कुछ नियम लागू हो, ताकि आम जनता अपने आप को सेफ महसूस कर सके और जो गैंगस्टर है जो अपराधी टाइप के जो लोग हैं उनके भी थोड़ा सा भीतर में डर हुआ है, जो कि जरूरी है। तो भाइयों आप अपनी राय ऐसे विषय पर जरूर कमेंट बॉक्स में दियो, किसी की राय अगर ये लगी कि हाँ कुछ यूनिक आइडिया है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।